टेक्सटाइल स्टॉक डिमांड में है। कई फर्मों के शानदार तिमाही परिणामों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के हाई क्वालिटी शेयर्स की मांग बढ़ रही है। रेवेन्यू में गिरावट और कोविड महामारी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज हम आपको उन टेक्सटाइल स्टॉक के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिछले दिनों अच्छा प्रदर्शन किया है और 400% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। आदिनाथ टेक्सटाइल लिमिटेड 1979 में स्थापित एक कपड़ा केंद्रीय स्मॉल कैप व्यवसाय है, जिसका बाजार पूंजीकरण 43 करोड़ रुपए है। कंपनी का पास फिलहाल 48 इंस्टॉल्ड स्पिंडल है। जनवरी 2021 से 13 अगस्त 2021 तक स्टॉक ने 1224.56 से अधिक रिटर्न दिया। स्टॉक आज 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 1979 में स्थापित एक कपड़ा केंद्रीय स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.58 करोड़ रुपए है। स्टॉक ने 3 वर्षों में 1219.68% रिटर्न दिया। कंपनी ने 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 451.81 करोड़ रुपए के स्टैंड अलोन कुल आय की सूचना दी। सबसे हालिया तिमाही में कंपनी ने 78.99 करोड़ रुपए के टैक्स के बाद शुद्ध लाभ अर्जित किया। जनवरी 2021 से 13 अगस्त 2021 तक स्टॉक ने 861% से अधिक रिटर्न दिया है। राजा बहादुर इंटरनेशनल ये 265.12 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। जनवरी 2021 से 13 अगस्त 2021 तक स्टॉक में लगभग 544% की वृद्धि हुई। बेटेक्स इंडिया लिमिटेड 1992 में स्थापित एक कपड़ा केंद्रीय स्मॉल कैप व्यवसाय, जिसका बाजार पूंजीकरण 15.71 करोड़ रुपए है। जनवरी 2021 से 13 अगस्त 2021 तक स्टॉक में लगभग 556% की वृद्धि हुई। नार स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड 1980 में स्थापित परिधान उद्योग में एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.60 करोड़ रुपए है। जनवरी 2021 से 13 अगस्त 2021 तक स्टॉक में लगभग 462% की वृद्धि हुई है।